Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. So I welcome you again in the session of class 2nd, subject English Literature. So today also I will take lesson 4 of literature, that is your Together with Essence book. And as you know, hum term 2 kar rahe hain. So this is lesson 4, Ratna's Bangles, and this is our lecture 1. So in lecture 1, the contents which I will take are reading and explanation. First I will read the lesson and explain the lesson, then we will take the word meaning of the same lesson. I think you understood. So dear students, what you have to do, you have to take out your Together with Essence book and open lesson 4, that is Ratna's Bangles, so that we will start reading. Now please open your book and take a pencil with you. Now let's start the reading of the lesson. Ratna's Bangles. Ratna ke bangles yani ki chudiyan. Ratna ki chudiyan. New words which are given in your book are rush, wraps, bundles, cute, arranges, clinking, loudly. So these are the new words. Now let's start reading. Bangle seller, bangle seller. चूड़ी बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाला. आप लोगों ने भी अपनी गली में कई बार हॉकर्स की आवाज सुनी है. So over here also, a hawker who is selling bangles, जो कि क्या बेच रहा है, चूड़ियाँ, वो आवाज लगाता है. Bangle seller, bangle seller. Puru and Ratna rush to the window as soon as they hear this call. Puru और रत्ना जैसे ही ये आवाज सुनते हैं खिड़की की ओर दौड़ पड़े. They rush to the window as soon as they hear this call. अम्मा, अम्मा, look, there is a bangle seller outside, shouts Puru. अम्मा, देखो, बाहर चूड़ी बेचने वाला है. कौन चिल्लाता है? पुरु. पुरु चिल्लाता है कि देखो अम्मा, बाहर चूड़ी बेचने वाला है. He knows Ratna loves to wear bangles. वह जानता है कि रत्ना को चूड़ी पहनना पसंद है, इसीलिए वो अम्मा को बुलाता है. अम्मा, प्लीज बाय बैंगल्स फॉर मी. सी, माय बैंगल्स आर ओल्ड नाउ. सो रत्ना अम्मा को क्या कहती है? अम्मा, कृपया मेरे लिए क्या करो, बताओ क्या करेगी अम्मा को क्या कह रही है रत्ना यहाँ? कृपया मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदो. देखो मेरी ये चूड़ियाँ पुरानी हो गई हैं. रत्ना says as she wraps her little hand around अम्मा's neck. रत्ना ये सब कहती है और कहते हुए वो अपनी अम्मा के गले में अपने छोटे छोटे हाथ रैप, रैप मतलब लपेटना, लपेटती है. सो शी इज शोइंग हर लव टू हर मदर. और वो एक तरीके से अपनी माँ से रिक्वेस्ट भी कर रही है कि प्लीज़ बाय बैंगल्स फॉर मी, मेरे लिए चूड़ियाँ
खरीद दो। अम्मा कॉल्स द बैंगल सेलर। अम्मा जो है वो चूड़ी बेचने वाले को बुलाती है। ही ओपन्स हिज बैग ऑफ कलरफुल बैंगल्स। और चूड़ी बेचने वाला जो है वो अपना थैला खोल देता है। ही ओपन्स हिज बैग ऑफ कलरफुल बैंगल्स। वो अपनी कलरफुल रंग बिरंगी चूड़ियों का थैला खोल देता है। वाओ, आई लव दीज लवली सर्कल्स। रत्ना जंप्स विद जॉय। अब रत्ना जो है वो खुशी से उछलती है, उछल पड़ी और क्या कहती है कि वाओ, वाह, मैं इन सुंदर चक्रों से प्यार करती हूँ, यानी कि मुझे ये जो गोल गोल चक्र हैं, जो बैंगल्स हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव इट। पुरु मूव्स हिज फिंगर ऑन द बंडल्स ऑफ बैंगल्स। पुरु जो है अपनी उंगलियों को चूड़ियों के बंडल पर, गट्ठे पर घुमाता है। पुरु अपनी उंगलियों को चूड़ियों के गट्ठे पर घुमाता है। क्लिंग क्लिंग साउंड द बैंगल्स ही स्माइल। क्लिंग क्लिंग की आवाज, यानी कि चूड़ियां बजने की आवाज जब पुरु सुनता है तो ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। चूड़ियों की आवाज सुनकर वो मुस्कुराता है। अम्मा आई वॉन्ट दीज रेड बैंगल्स विद ग्रीन डॉट्स। अब रत्ना अपनी मदर से कहती है, अम्मा आई वॉन्ट, यानी कि मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये लाल चूड़ियाँ जिन पर ग्रीन कलर की डॉट्स है, जिन पर हरी कलर की डॉट्स है, मुझे ये चूड़ियाँ चाहिए। अम्मा आई वॉन्ट दोज गोल्डन बैंगल्स टू। अब दोबारा से फिर रत्ना अपनी मदर को कहती है कि अम्मा मुझे वो सुनहरी चूड़ियाँ भी चाहिए। ओ दीज ब्लू बैंगल्स आर सो क्यूट। अब उसने देखिए रेड कलर की बैंगल्स के लिए कहा, फिर गोल्डन कलर की बैंगल्स के लिए कहा, अब वो क्या कहती है, ये नीली चूड़ियाँ कितनी प्यारी हैं। पुरु अंडरस्टैंड्स दैट हिज लिटल सिस्टर वांट्स ऑल। अब जो है पुरु समझ जाता है कि उसकी छोटी बहन को सब चूड़ियाँ चाहिए। ही लव्स बैंगल्स टू। उसको भी चूड़ियाँ पसंद हैं, बट ही नोज बैंगल्स आर नॉट फॉर बॉयज। परंतु वो जानता है कि चूड़ियाँ जो हैं वो लड़कों के लिए नहीं है। लेट अस बाय ऑल कलर्स फॉर हर अम्मा। अब पुरु जो है वो अपनी मदर से कहता है, आओ हम रत्ना के लिए सभी रंग खरीदें। लेट्स बाय ऑल कलर्स फॉर हर। आइए हम सब रंग खरीदते हैं इसके लिए। पुरु सजेस्ट। पुरु जो है वो ये सुझाव अपनी अम्मा को देता है। यस अम्मा, कांट आई हैव ऑल, रत्ना प्लीड्स। रत्ना अपनी माँ से आग्रह करती है, हाँ अम्मा क्या मैं सभी नहीं ले सकती। वो अपनी माँ से आग्रह करती है कि अम्मा क्या मेरे पास ये सब नहीं हो सकती।
यू कैन रत्ना, तुम ले सकती हो रत्ना, बट वेयर विल यू कीप देम, पर तुम इन्हें कहाँ रखोगी? चूज द वंस दैट यू विल वियर राइट नाउ, तुम सिर्फ उन्हें ही चुनो जिन्हें अब पहनोगी, सेज अम्मा, ऐसा अम्मा ने कहा। रत्ना पिक्स अप 6 रेड बैंगल्स विद ग्रीन डॉट्स एंड 4 गोल्डन बैंगल्स। रत्ना ने 6 लाल चूड़ियां चुनी जिन पर ग्रीन डॉट्स थी, हरी डॉट्स थी, और 4 जो हैं वो गोल्डन सुनहरी चूड़ियां चुनी। पुरु अरेंजेस देम फॉर हर, पुरु रत्ना के लिए उनको व्यवस्थित करता है, यानी कि उनको लगाता है प्रॉपर सीक्वेंस में लगाता है। किनको? बैंगल्स को। वन रेड, वन गोल्डन, देन रेड, देन गोल्डन एंड अ रेड अगेन। एक लाल, एक सुनहरी, फिर एक लाल, फिर एक सुनहरी और फिर एक लाल। इस तरीके से वो चूड़ियों को अरेंज करता है। शी वियर्स दिस सेट ऑफ 5 बैंगल्स ऑन वन हैंड। और अब रत्ना क्या करती है? रत्ना इन 5 चूड़ियों के सेट को एक हाथ में पहनती है। यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ हैप्पी शी इज आफ्टर वियरिंग द बैंगल्स, कि वो कितनी खुश है बैंगल्स पहनने के बाद। शी मेक्स वन मोर सेट फॉर हर अदर हैंड हर सेल्फ, वो अपने दूसरे हाथ के लिए दूसरा सेट जो है वो खुद ही बना लेती है। वन रेड, वन गोल्डन, देन रेड, देन गोल्डन एंड देन अ रेड अगेन। एक लाल, एक सुनहरी, फिर एक लाल, फिर एक सुनहरी और एक लाल, दोबारा से एक और लाल। शी जंप्स, hops and runs inside the house, वो घर में कूदती है, फुदकती है, hops means उछलना या फुदकना, and runs inside the house, और घर के अंदर भागती। The bangles make a clinking sound as she runs, और जो चूड़ियाँ हैं वो उनमें से आवाज़ आती है, खनकने की आवाज़ आती है एज शी रन्स, जैसे ही वो भागती है। अम्मा एंड पुरु लाफ लाउडली, अम्मा और पुरु जो हैं ये सब देखकर जोर से हंस पड़े। सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी about a small family, a lovely family who really enjoys every moment, जो हर पल को बड़े ही अच्छे से जीती है। I hope you also enjoy this lesson. In this lesson, you came to know about the colors, you came to know about shape, and you came to know that when you are happy, जब आप खुश होते हो तो आप कैसे अपनी खुशी को शो करते हो। Now let's proceed the word meanings of this lesson. So take out your notebook and you have to make the format like this. First of all, date, आपको वो date लिखनी है on which you डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। जब आप ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे, देन यू हैव टू राइट द डे। देन लेसन 4, रत्नाज बैंगल। सो दिस इज योर लेसन, रत्नाज बैंगल्स। नाउ देन यू हैव टू राइट
word, after it meaning, उसके बाद आप meaning लिखेंगे. rush, rush का meaning बेटा वैसे तो होता है भीड़, but यहाँ भीड़ word suitable नहीं करेगा, that's why the meaning will be हड़बड़ी या जल्दी. सेंटेंस आता है ना कि दे रश, सो वो जल्दी से भागते हैं या हड़बड़ी में भागते हैं. रैप्स, डब्ल्यू आर ए पी एस, रैप्स, रैप्स मीन्स लपेटना. देन बंडल, बी यू एन डी एल ई, बंडल, गट्ठा. देन क्यूट, सी यू टी ई, क्यूट, क्यूट मीन्स प्यारा. क्यूट का क्या मतलब होता है? प्यारा. देन द नेक्स्ट वर्ड इज अरेंजेस, ए डबल आर ए एन जी ई एस, अरेंजेस. अरेंजेस मीन्स व्यवस्था. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लाउडली, एल ओ यू डी एल वाई, लाउडली. लाउडली मीन्स जोर से. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शाउट, एस एच ओ यू टी, शाउट, चिल्लाना. द नेक्स्ट वर्ड इज जॉय, जे ओ वाई, जॉय. जॉय मीन्स खुशी. नाउ द नाइन्थ वर्ड इज सजेस्ट, एस यू डबल जी ई एस टी, सजेस्ट, सुझाव देना. हॉप्स, एच ओ पी एस, हॉप्स. हॉप्स मीन्स उछलना, छलांग लगाना. ओके, सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू रीड लेसन 4, आपको ये लेसन पढ़ना है, एंड राइट वर्ड मीनिंग इन द नोटबुक, एंड यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स इन द नोटबुक. आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं प्रॉपर फॉर्मेट से अपनी नोटबुक में लिखने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वट यू हैव टू डू इन द नोटबुक, एंड इवन यू हैव टू रीड द लेसन. नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर विच वॉज योर ग्रामर लेसन. इन द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था दैट यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज 4 इन योर बुक. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, हेयर फ्यू पिक्चर्स आर गिवन. कम्प्लीट द सेंटेंसेस विद आई एन जी फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड्स. आपको एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और एक्शन वर्ड्स के साथ आपको आई एन जी लगाकर यू हैव टू फिल दीज पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो, और आपको वर्ड्स जो हैं वो इस बॉक्स से ही चूज करने हैं. द बर्ड, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बर्ड. द बर्ड इज सिंगिंग. द लॉयन इज रोरिंग. लॉयन क्या करता है? दहाड़ता है. तो सेकेंड में क्या आ जाएगा? रोरिंग, दहाड़ना. द स्नेल इज क्रॉलिंग. स्नेल क्या कर रही है? क्रॉल कर रही है, रेंग रही है. फिश, फिश क्या करती है? स्विम. द फिश इज स्विमिंग. एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी. बेटा आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट इज द स्नेक इज हिजिंग. एच आई डबल एस आई एन जी, हिजिंग. Hissing means फुफकारना. ओके, फुंकार लगाता है ना, तो that is hissing. The bear is growling. Growling means गरजना. जो बियर की आवाज़ होती है, बियर जो चिल्लाता है, भालू जो चिल्लाता है, that is growling. The spider is spinning. Spinning means बुनना. Spider अपना जाला बुनता है ना, तो द स्पाइडर इज स्पिनिंग. द रैबिट इज हॉपिंग. रैबिट जो है वो फुदक रहा है. द डॉग इज बार्किंग. कुत्ता भौंक रहा है. आई होप
you have checked the exercise, and प्लीज चेक केयर ऑफ द स्पेलिंग्स. आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है बेटा. कई जंग है आपको स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है. देखिए स्विम की स्पेलिंग होती है SWIM, बट वेन वी राइट स्विमिंग तो वन मोर एम विल कम ओवर हेयर स्विमिंग. सो लाइक दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्पेलिंग. ओके आई थिंक you understood this particular exercise also. So you are supposed to complete your homework in the notebook and you have to read the lesson too. Aapko lesson padhna bhi hai.